बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इसी के साथ सब बहन भाइयों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल तहरा आपी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहेगा। जिन बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो शुरू। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि भाई आवास आए हुए हैं मुझे घर छोड़ने के लिए, तो चाय वगैरह पी ली है तो थोड़ी देर लेट गए थे। भाई के सर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा इस वजह से। तो अब मैं उसे देती हूँ मिल्क शेक बना के। तो जो सारा सामान मैंने तैयार कर लिया है अब मैं बनाना शुरू करती हूँ मिल्क शेक। बनाने वास्ते मैं सारा सामान तैयार कर लिया है तो हूँ मैं मिल्क शेक बना के भाई आवास न पिलानी है। ये मिल्क शेक मैं बना लिया है तो हूँ मैं मगज पा के दवाई नू देख के आती हूँ। तो शबीर सैन मेरा अपना गिलास लिया के खलोता है, इन्हू भी दें जूस में गिलास पा लिया है मगे दे विच ते हूँ मैं भाई नू दिंदी हूँ। भाई चेक करो तो पी के मज़ेदार बने मैं के खाना नहीं खाता कोई ये पी लिए पहले कहना हाँ छोटी कदी छी नहीं ना हूँ ओनू पता चल गया थोड़ा अगे छोटी सी ना तो हूँ चार पाँच दिन रह गई तो हूँ जान ही नहीं छ खेलना बंद जाता है दरस भी जाता है हूँ वाल समीर साढ़े तीन साल का जान लग पाया पांच साल का हो गया हाँ दाखिल करवाना हूँ छुट्टिया हो गई ये भी मसला बनना जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ आज बच्चों की फरमाइश जो उन्होंने कहा है पूरी करनी है तो बनाऊँगी आज मैं। जो पानी में मैंने चावल भो लिए हैं देसकी में भी डाल लिए हैं और चूल्हे के ऊपर भी देसकी रख ली है। तो अब मैं चूल्हा ऑन करती हूँ तो ये हैं तो पहले चावल अच्छी तरह उबाल लूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है अब पहले चावल उबाल लेती हूँ। ये चावल मैंने उबाल लिए हैं और अब ये तकरीबन डेढ़ किलो दूध है ये मैंने लिया है ये भी इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये फ्रिज में दूध ले कर रखा हुआ था आज बच्चों ने टोटा चावल जो होते हैं वो देख लिए थे वो दराज में मैंने एक डब्बे में डाल के रखे हुए थे खीर बनाने के लिए। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे तो मम्मा ये क्या है मैंने एक दो तीन दिन पहले बताया था कि ये खीर के लिए चावल रखे हुए हैं किसी दिन जब आपके पापा आएंगे ना तो तब बनाएंगे। तो बच्चों ने आज जिद कर ली है कि मम्मा के आज ही बना के दो तो मैंने कहा चलो बेटा मैं आज ही बना देती हूँ जब तेरे पापा आएंगे फिर बना दूँगी। तो दूध भी बच्चे कह रहे थे मम्मा आपने फ्रिज में रखा हुआ है क्योंकि हम गए थे अम्मी लोगों के पास तो दूध जिस हमसाई से हम लेते हैं हमसायों से उसने फ्रिज में जमा करके रखा हुआ था तो आया दूध भी पड़ा हुआ था
तो कहते मम्मा आज हमें ये दूसरी लजीज़ा खीर नहीं, ये चावलों वाली खीर बना के दो। तो वो मैंने बनानी शुरू की है, उनके बच्चे भी खुश हो जाएंगे, ज़्यादा मेरा कबीर हसैन बेटा खुश हो जाएगा, गुगलू बेटा, क्योंकि उसे खीर, इस तरह की मीठी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये दूध भी मैंने डाल लिया है, अभी इसे गाढ़ा होने तक पकाती हूँ। एक खीर गाढ़ी हो गई है साड़ी, तो हूँ मैं बिच पाती हैं ये चीनी, ये नमकीन चीज़। मेरे बच्चे कबीर सैन इतने शौक ना नहीं खाता, समीर बेटा और मामा बेटिया खा लेंगे, तो हूँ चीनी मैं बिच पाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थोड़ी चीनी मिक्स कर लेनी है। चीनी कम लग रही थी और पा दी, तो हूँ थोड़ी देर असी उपर इनू रख के पकाने हैं, तो फिर ठीक होता है। चीनी इस वाली सी खीर साड़ी गाढ़ी हो गई है, थोड़ी देर असी पका लीए, तो हूँ किशमिश यानी कि जिन्हों कहते हैं सौगी, ये मैं पानी च भिगो के रखी हुई है, ये पाती हूँ बिच के बच्चे मेरे सौगी शौक ना खाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यह तो दुकान तो मिली भी सानू इस कलर की है। हूँ इन्हू भी अस मिक्स कर लें, हूँ मैं खीर चेक कर लेनी है, तो खीर माशाल्लाह साड़ी तैयार हो गई है, तो हूँ मैं चूल्हा बंद कर देता है, हूँ बाद ठंडी हो जाए तो बैठ के खाते हैं। तो खीर साड़ी तैयार हो गई है, तो हूँ इनू मैं चूल्हा ही बंद कर देता है, तो हूँ ठंडी हो जाए थोड़ी देर, तो फिर असी सारी फैमिली बैठ के खावे। जो बच्चों को मैंने खीर डाल के दे दी है, बच्चे मेरे बैठ के खा रहे हैं, और खीर अभी गर्म है। जे कबीर बेटे, कबीर आस्ता आस्ता खाओ ना बेटा, इस तरह नहीं, जे चार पाई पे ना कराना। खाना खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, खाना खाने से पहले क्या कबीर पढ़ना चाहिए, औसबिल्ला फिर बिस्मिल्ला जी। खाना किस हाथ से खाना चाहिए, दाएं हाथ से, दाएं हाथ से जी। तो पानी कितने घूंट में पीना चाहिए, तीन, तीन घूंटों में पानी पीना चाहिए। खीर तो अब हम बाद में भी खाते रहेंगे, क्योंकि मोबाइल गर्म हो गया था, वो खुद ही कैमरा बंद हो गया इस वजह से, तो वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिन बहन भाइयों को पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।